स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल खेती किसानी मंडी पर। आज हमारे खेत पर मक्का में बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो चुकी है। ये देख रहे हैं हमारे मक्के का खेत है, इसमें सभी प्रकार की खरपतवार का नाश करने के आज हम इसमें स्प्रे करेंगे। ये खरपतवार, ये मक्का की जो फसल है ये करीबन 25 दिनों की हो गई है और इसमें खरपतवार बहुत सारी बाहर निकल चुकी है, तो आज हम इसमें खरपतवार दवाई का स्प्रे कर इस खरपतवार को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो में पूरा देखें तो दिखाते हैं हम आपको कि खेत पर कौन सी खरपतवार है और इसमें कौन सी दवाई डालने पर ये सारी खरपतवार नष्ट हो जाएगी, और वीडियो में बने रहें। ये देखिए दोस्तों, मक्का में खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं बोखना, ये भोखना दिख रहा है आपको, ये भोखना है, और ये जो दिख रहा है मोतीड़ा, मोतीड़ा भी बोलते हैं इसको, और दूसरी जगह इसको अलग प्रकार के नाम भी हैं। और ये दिख रहा है आपको सामा, और ये लूनख्या, इस प्रकार की खरपतवार हो चुकी है। और ये मक्के में अगर हम मजदूरी से इसको उखाड़ाएंगे तो पैसे बहुत लग जाएंगे, और जो दवाई का स्प्रे करेंगे तो उसमें कम पैसे लगेंगे और एक ही दिन में पूरे खेत पर स्प्रे हो जाएगा। तो इसमें नमी पर्याप्त है, परसों ही पानी ऊपर आसमान से गिरा है और गीला भी अच्छा खेत पर है। और जो आप देख रहे हैं मक्का में भी स्प्रे, हमने दवाई का स्प्रे पहले कर चुके हैं, तो आप भी ध्यान रखें। अगर आप खरपतवार की दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें इल्ली की दवाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो जो खरपतवार की दवाई ढंग से काम नहीं करती है। तो हमने पहले इल्ली के लिए अलग स्प्रे किया, उसके बाद में आज मक्का में स्प्रे करेंगे। तो वीडियो में बने रहे और दिखाते हैं हम आपको कि हम कौन सी दवाई का आज इस्तेमाल करेंगे। इसमें आज हमने पत्ता गोभी में भी स्प्रे किया है, जो सामा चारा है सकड़ी पत्ती का, आप देख रहे हैं बहुत सारा खेत पर हो चुका है हरा हरा। तो इसके लिए भी हमने ये जो दवाई दिख रही है आपको टैलेंट, इसमें सिर्फ सकड़ी पत्ती का काम होगा। और ये दवाई आप देख रहे हैं, ये 40 से 50 ग्राम पर टंकी में डालना है, 15 लीटर वाली में। आप चाहे तो एजिल भी डाल सकते हैं और या टर्गा सुपर भी डाल सकते हैं, विप सुपर भी डाल सकते हैं, जैसे आपको मिल जाए। और मक्का के लिए दोस्तों, मक्का के लिए हम लाए हैं टिंजर, ये दवाई का पैकेट आया है, ये 950 रुपये का आया है, और ये इसके साथ में एक पाउडर फ्रेम है, ये भी है, इसमें ही साथ में आया है 900 रुपये में आया है दोस्तों। और इसका हम मिश्रण करेंगे, चार टंकी बना लेंगे एक बीघा के हिसाब से, और इसको हम स्प्रे करेंगे। तो दिखाते हैं कौन सी दवाई इसके अंदर भी आती है। और ये पैकेट में से दोस्तों एक ये निकला है जो चिपकू के साथ काम करता है, ये 150 ml है, और इसके साथ में एक छोटी सी डिब्बी भी आई है, ये BSF कंपनी का टिंजर है। इन तीनों का मिश्रण करके फिर हमको मक्का में स्प्रे करना है, और एक बीघे के लिए ये चार टंकी बनाना है इसकी। तो इस बाल्टी में हम घोल करेंगे, चारों को मिलाकर चार नाप से बनाएंगे। ये हमने एक नाप ले लिया है, इसका चार नाप पानी डाल देंगे और फिर इसको दवाई डाल देंगे, फिर अच्छे से मिलाकर फिर हम मक्के में स्प्रे करेंगे। और कंपनी वाले ने साथ में दवाई के साथ में ये ग्लव्स भी दिए हैं ताकि अपने हाथ और मुंह पे नहीं लगे, और सावधानी रखना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप भी ग्लव्स पहनकर ही दवाई का स्प्रे करें। जय श्री राम।